एवरीवन, कैसे सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों को कल ही मैंने बताया था कि लर्निंग सेंटर यानी कि हम लोग जो है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी करा रहे हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। जो आपको लैंग्वेज कोर्स कराएंगे उन सर का नाम सर यूनुस अज़ीज़ है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़ाएंगे, इसकी गारंटी है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही हमने स्टार्ट किया है। ऑनलाइन ही आजकल सबको इजी लग रहा है, क्योंकि काफ़ी इश्यूज़ होते हैं जिसके थ्रू आप नहीं जा सकते कहीं बाहर। और इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा कोर्स है जो कि हर स्टूडेंट को नीड है, स्टूडेंट क्या हर एक इंसान को नीड है, ठीक है। आजकल जॉब्स के हवाले से भी आपको आइडिया होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज का अगर ना हो आप लोगों के पास, अगर कोर्स ना हो तो आप लोगों को जॉब्स का भी इशू होता है, जॉब नहीं मिलती, ठीक है। तो इसलिए आगे जो आपने अगर पढ़ना होता है, जैसे स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें भी आप लोगों की बहुत हेल्प होती है। अब जैसे कि इंग्लिश का सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश में आप लोगों को पढ़ने में इजी होती है, आपको बोलने में इजी लगता है, क्योंकि ग्रामर सारा होता है। आपको स्टार्ट स्पीच से स्टार्ट करवाया जाता है। अगर आप लैंग्वेज कोर्स करते हैं तो आपको नई नई बातें पता चलती हैं जो आप ग्रामर में पढ़ते तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो कि आपके लैंग्वेज कोर्स में क्लियर होती हैं। तो किस तरीके से सर पढ़ाएंगे और जो है कब से स्टार्ट है, ये भी मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के अभी फ़िलहाल पेपर्स चल रहे हैं अभी ATA वालों के, ATA एंड ATS वालों के। तो इंशाल्लाह उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होंगी। डेट आप लोगों को बता दूं कि 3 या 5 नवंबर से इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी, या आप लोगों की आप लोग पेपर से फ्री हो जाएं फिर हम इंशाल्लाह डेट रखते हैं प्रॉपर टाइमिंग वगैरह। और ग्रुप का लिंक भी मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि जिनको नीड है, जो करना चाहते हैं, वो उस ग्रुप में आ सके, ठीक है। बाकी किस तरीके से सर क्लासेस लेंगे वो सब मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगी। तो आप सर की आवाज़ में ही ये वीडियो सुन लें, ठीक है, देखें, ताकि आपको तो सर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। Assalamu alaikum dear students, so in this video I would be telling you that how would I be conducting your classes, ki hum classes kis tarah lete hain. Hum mera manna ye hai ki jitna hum modernized way se aur jitne naye jadid tarike se hum padha rahe hain, shayad hi aapne kisi jagah padha ho. Uski wajah ye hai कि ये हमने सब कुछ बहुत आसान कर दिया है। जो वो बच्चे जो कोचिंग्स नहीं जा सकते, वो बच्चे जिनके यहाँ इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या वो बच्चे जो प्रोफेशनल हैं, जिनकी जो जॉब्स करते हैं, तो उनके लिए ये हमारा जो कोर्स है ये बड़ा मुफीद साबित होगा। क्यों? देखिए, सबसे पहले तो हम ये एक लेक्चर जो अपने रिकॉर्ड करके रखते हैं। आप देखें, लेक्चर नंबर 1 आपके सामने है, रिटन सब कुछ लिख देते हैं और साथ में उसके वॉइस जो है वॉइस नोट भी साथ लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि आपको अर्ली इन द मॉर्निंग ये सेंड कर दिया जाता है। जब ये सेंड कर दिया जाता है उसके बाद आपका एक ऑनलाइन टाइम होता है कि आप उस टाइम में आ सकते हैं, आप क्लास लेंगे और आपकी उस टाइम में प्रैक्टिस भी होगी। सो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर कभी कभार आपकी मिस हो जाती क्लास तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप कभी भूल जाते तो हम कहते हैं कि गो एंड लिसन टू द लेक्चर 1। तो इसके 2 फ़ायदे ये हो गए। तीसरा, आपको रजिस्टर बनाने की, अब आप जब बड़ी उम्र में आ जाते हैं आप बच्चों की तरह रजिस्टर उठा उठा के लिख नहीं सकते, तो सब कुछ हमने पहले से आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है। और आपको ऑनलाइन में अलग इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, हम ऑनलाइन में आपको पढ़ाएंगे नहीं। अक्सर गलती ये करते हैं, टीचर ऑनलाइन में पढ़ा रहे होते हैं, ऑनलाइन में दे शुड बी ओनली वन थिंग दैट इज़ प्रैक्टिस। ऑनलाइन में सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस। ऑनलाइन में पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाने का काम हम क्लास से पहले कर देंगे, सिर्फ उसमें आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अच्छा, दूसरा, उस लेक्चर के साथ हम इस तरह देखें वोकैबुलरी सेक्शन, हम ये साथ वोकैबुलरी भी आपको सेंड करते हैं, ये आप वोकैबुलरी देख सकते हैं, ये सारी इस तरह वोकैबुलरी आपको सेंड की जाती है। तीसरी जो बड़ी मॉडर्नाइज बड़ी जदीद चीज़ है वो ये है, इस तरह से आपको एक इंग्लिश वॉइस सेंड की जाती है बाय इंग्लिश नेटिव स्पीकर। वो इंग्लिश नेटिव स्पीकर एक कहानी होती है, एक स्टोरी होती है, वो
वो एक पूरी स्टोरी कन्वर्सेशन होती है, वो आपस में बोलते हैं, उन वो जो बोलते हैं नीचे वो हमने लिख दिए इस तरह, ये सामने साथ लिखी भी है, वो बोल रहे होते हैं। तो आपने इनको बड़ी मोहतात तरीके से, बड़ी केयरफुली यू हैव टू लिसन। जब आप इसको केयरफुली सुनते हैं तो इसके जब आप पूरा सुन लेते हैं, इसके नीचे जब आप आते हैं तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन फॉर स्पीकिंग लिखा हुआ है। हम इसी से रिलेटेड हम सवालात ये बना देते हैं, ये सारे सवालात हैं। तो ये आपने क्लास में आके जो है आपने वही सवालात स्पीकिंग में करने होते हैं। तो इससे क्या होते हैं, आपकी लिसनिंग भी होगी, ये भी होगी। अच्छा, जो थर्ड चीज़ है वो ये है स्टोरी। हम आपको लिसनिंग के लिए स्टोरी भी सेंड करते हैं। लिसनिंग एक्चुअली क्यों लिसनिंग इम्पोर्टेंट है, याद रखें, हमने उर्दू हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, कोई भी ज़ुबान हो, वी लर्न दीज लैंग्वेजेस बाय लिसनिंग। तो लिसनिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो हम इसलिए लिसनिंग की चीज़ें देते हैं। अब ये देखें ना, स्टोरी वन है, ये स्टोरी वन है, इसमें सब कुछ ये आया हुआ है, ये क्लाइमेट चेंज, वीकेंड स्टॉप, ये सब इसमें ये जो लिखा हुआ है, साथ में एक इंग्लिश स्पीकर होगा नीचे, ये वॉइस साथ आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा इंग्लिश स्पीकर ये पढ़ेगा और आप इसको देख के भी सुनेंगे और आप सुनेंगे भी और साथ साथ देखेंगे भी। जब आपने इसको मुकम्मल किया, एक नई बात, फिर हम आपका साथ में आपको क्विज भी सेंड कर देते हैं इसी स्टोरी के हवाले से, कि ये देखें ये क्विज़ हैं, आपने इन क्विज़ को, वो बच्चा क्विज़ करेगा जो इसकी लिसनिंग करके आएगा, ये सारे क्विज़ हैं, ये फिर इसके मल्टीपल चॉइसेस हैं, आपके क्विज़ एमसीक्यूज़ आ जाते हैं उन्हीं में से, जो आपने स्टोरी ये सुनी है, फिर इसी के शॉर्ट आंसर भी आपने बनाने होते हैं, शॉर्ट आंसर आपके सामने हैं, फिर इसी के ऊपर एक एसे आपको अपनी तरफ से लिखना होता है, ये आपने, अब आप देखें ये इतना बेहतरीन, इतना मुफीद बच्चों के लिए साबित हुआ है, बिलीव मी इट वॉज लाइक इट वॉज ए लाइफ चेंजिंग फॉर द स्टूडेंट हु हैव बीन स्ट्रगलिंग टू लर्न इंग्लिश। जब ये आप मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, फिर हम आपको उसी के आंसर्स भी सेंड कर देते हैं कि क्या जवाब थे, मल्टीपल आंसर्स के, शॉर्ट आंसर्स के, सब कुछ हम आपको उसके जवाब भी आपको सेंड कर देते हैं। तो ये हमारा तरीकाकार है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये व्हाट्सएप पे हम आपको सब कुछ दे देते हैं, ऑनलाइन क्लास हम गूगल मीट पे भी ले लेते हैं, व्हाट्सएप पे भी ले लेते हैं। इसका फ़ायदा क्यों है, ये इजी एक्सेस है, आप फौरन जैसे व्हाट्सएप पे कोई और मैसेज देखने आते हैं तो आप इजीली इसको भी सुन सकते हैं। तो ये वो बच्चे जो प्रोफेशनल हैं, आई वुड रिकमेंड देम टू बी ए पार्ट ऑफ आवर क्लासेस।